जय भैरव। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कांजी वड़े का रेसिपी। राजस्थान का फेमस डिश है। होली दिवाली पे ज़्यादातर हमारे यहाँ बनाया जाता है। कांजी ऐसा एक फर्मेंटेड ड्रिंक है जो कि गट के लिए बहुत ही अच्छा है, और ये आप बड़े के बिना भी ड्रिंक पी सकते हो। हेल्दी ड्रिंक है, तो चलिए इसे बना लेते हैं। सबसे पहले मैंने राई लिया है, और मैंने पीले और ब्लैक राई लिया है, दोनों ही हाफ हाफ लिया है। आप चाहे तो सौंफ आप ऐड कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया है, रेड चिली पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। नमक मैंने नॉर्मल वाला हाफ टी स्पून और ब्लैक सॉल्ट मैंने हाफ टी स्पून ऐड कर दिया है। सारे इंग्रेडिएंट्स को आपको ग्राइंड कर लेना है। और गाइस, कंजी का जो पानी होता है खट्टा होता है, इसे फर्मेंट किया जाता है 3-4 दिन पहले से ही ये प्रोसेस किया जाता है, पर मेरे पास टाइम कम है इसीलिए मैं दही ऐड कर रही हूँ। दही ऐड करके मसाला के साथ मैं पानी ऐड करूँगी। ऐसे करने से फर्मेंट झटपट से हो जाएगा। स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए आप चाहे तो ये प्रोसेस कर सकते हो। जैसे कि मैंने कटोरी लिया है और कोयले को मैं जला लूँगी, और इसमें मैं हींग और घी ऐड कर दूँगी और इसे ढककर रखूँगी। ऐसे करने से स्मोकी फ्लेवर आपको मिल जाएगा। तो आपके पास कोयले नहीं है तो आप कोई नहीं, आप दालचीनी स्टिक से भी ये प्रोसेस कर सकते हो। ऐसे करके आपको 15 मिनट तक रखना है। इसके बाद आपको हल्का गर्म पानी ऐड करके जो मसाला है इसे मिक्स कर लेना है, यानी कि एक घोल बना लेना है अच्छे से। कितना पानी आपको चाहिए इसके हिसाब से आपको मसाला और पानी ऐड करना है। अभी ना एक जार में मैं रख दूंगी और धूप में मैं रखूंगी। सुबह का टाइम है तो मैं धूप में रखूंगी। चले भी नेक्स्ट प्रोसेस में चले, बड़े बना लेते हैं। इसके लिए मैंने मूंग दाल को 3-4 घंटे के लिए भिगो कर रखा है। पहले तो आपको मूंग दाल को अच्छे से वॉश करना है, इसके बाद भिगो कर रखना है। 4 घंटे के लिए आप भिगो कर रख सकते हो या ओवरनाइट सोक कर सकती हूँ। इसके बाद आपको ग्राइंड करना है। ग्राइंड करते समय आपको ये बात का ध्यान रखना है पानी कम से कम यूज़ हो, नहीं तो क्या होगा, आपका बड़ा बढ़िया नहीं बनेगा। और ये फाइन ग्राइंड नहीं होना चाहिए। आप ग्राइंड करते समय अदरक और ग्रीन चिली ऐड कर सकते हो। गाइस, आप चाहे तो उड़द दाल भी ऐड कर सकते हो मूंग दाल के साथ हाफ कप। और सेम प्रोसेस है, आपको 4 घंटे तक भिगोना है, इसके बाद आपको हाफ ग्राइंड करना है। तो देखिए, मैंने ग्राइंड कर लिया है। अभी मसाला ऐड कर रही हूँ। नमक मैंने हाफ टी स्पून ऐड किया है। 1 पिंच आप हींग ऐड कर सकते हो। कोरिएंडर को हाफ क्रश करके आप ऐड कर सकते हो। अजवाइन आप स्किप भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो। इसके साथ मैंने हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर लीव्स मैंने ऐड किया है। आप ज़रूर ऐड करना कोरिएंडर लीव्स। और इसके साथ मैंने आटा ऐड किया है, 2 टेबलस्पून मैंने आटा ऐड किया है। आटा कम से कम ऐड करने की कोशिश करना, नहीं तो क्या होगा, जो आपका बड़े है ये हार्ड बन जाएगा। और मैदा आपको नहीं ऐड करना है, ये हेल्दी रेसिपी है तो इसलिए आटा ही ऐड करना है। इसे हाथों से फेंटना है, 5 मिनट तक ये प्रोसेस आपको करना है। इसके बाद ऑयल को गर्म करना है, हल्का गर्म हो जाए ऑयल, इसमें आपको ऐड करना है। ऑयल ऐड करने से क्या होता है, जो बड़े है वो सोक ज़्यादा नहीं करता है ऑयल, और बहुत ही बढ़िया बनता है। तो चलिए अभी बड़े बनाने की प्रोसेस में चलते हैं। तो आपने देखा, कटोरी में मैंने पानी लिया है, हाथों को आपको भिगोना है। इसके बाद दोनों हाथों के मदद से आपको ऐसे ही बड़े के शेप दे देना है, और फिर ऑयल में डीप करना है। गरम तेल में आपको डीप करना है, पर धुएँदार गरम तेल में नहीं, ये सरसों की तेल है तो इसीलिए पहले तो आपको गरम करना है। इसके बाद गैस को बंद करके मीडियम हॉट फ्लेम में आपको इसे फ्राई करना है। ऐसे में सारे जो बड़े हैं इसे फ्राई कर लूँगी, उलट पलट के हल्का गोल्डन होने तक आपको फ्राई करना है। और गाइस, आप हॉट ऑयल में इसे फ्राई करने जाओगे, यानी कि धुएँदार गरम तेल में आप बड़े को फ्राई करने जाओगे, बाहर से जल जाएगा, अंदर कच्चा रह जाएगा, खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो मीडियम फ्लेम में आपको इसे फ्राई करना है। फ्राई करता हुआ जो बड़े है इसे आपको हल्का गर्म पानी में ऐड करना है। जैसे कि आपने देखा, एक बाउल लिया है, इसमें मैंने हल्का गर्म पानी लिया है, और फ्राई करता हुआ जो बड़े है इसे आपको डायरेक्ट ही इसमें डीप करना है। ऐसे में सारे जो बड़े है इसे फ्राई कर लूँगी और पानी में डीप करूँगी। पानी में भिगोने से जो बड़े का एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल के बाहर आ जाता है, तो इसीलिए दही भल्ला हो या कांजी बड़ा हो बहुत ही हेल्दी होता है। तो ये जो बाउल है छोटा पड़ गया, इसीलिए बड़ा सा एक बाउल लिया है। और आप ऐसे ही कच्ची को ऊपर से रख सकते हो, क्योंकि अंदर तक पानी जाए और इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो बाहर आ जाए इसीलिए। और इसके बाद आध घंटे आपको ढककर रखना है। आध घंटे के बाद ऐसे ही हल्के हाथों से आपको बड़े को निचोड़ लेना है, इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो आपको निचोड़ लेना है। हल्के हाथों से ये प्रोसेस आपको करना है। और इसके बाद आपको कंजी इसमें ऐड करना है। कंजी ऐड करके आपको खाना नहीं है, इसे आपको भिगो कर रखना है। पूरी रात तक आपको इसे भिगो कर रखना है। और देखिए, एक एक बड़े कितने बढ़िया से बना है।
तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ और बहुत ही बढ़िया बना है। अभी ना कंजी के साथ आपको पूरी रात इसे रखना है क्योंकि ये अच्छे से फर्मेंट हो जाए। इसके बाद दूसरे दिन आपको इसे सर्व करना है। आप चाहे तो फ्रिज में रखकर भी सर्व कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है गाइस, आप ट्राई करके देखना।